हेलो फ्रेंड्स, आमना बुटीक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को तावीज़ बनाना बताएंगे। लेडीज़ कुर्ती में तावीज़ कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसानी से। यह हमने कुर्ती की कटिंग कर लिया, देख सकते हैं। इसको हमने कुर्ती को बीच से फोल्ड कर दिया इस तरीके से। यहाँ हमने इस पर प्रेस लगा दिया, इस पर बीच की क्रीज बना ली है। इसको हमें नेक कटिंग करना है, हमें ये इसकी लेंथ लेना है। हमें इसकी लंबाई 3 इंच और इसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच। इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। इसकी हमें कटिंग कर देना है। ये इसकी कटिंग कर ली है, इसको आप खोल देते हैं कुर्ती को। ये कुर्ती पर हमने बीच की क्रीज बना ली थी, देख सकते हैं बीच की क्रीज का मार्क है। इस तरीके से हमें हमारी इस साइड पर तावीज़ आएगा, उल्टे हाथ पर हमारा तावीज़ आएगा। को हमें इस तरीके से कटिंग करना है। हमें यहाँ बीच की क्रीज पर कटिंग नहीं करना है, ध्यान रहे फ्रेंड। अगर हम बीच की क्रीज पर कटिंग कर देंगे तो ये हमारा तावीज़ आड़ा भागेगा, इसलिए हमें 1/2 इंच इधर से लेते हुए कटिंग करना है। देख सकते हैं 1/2 इंच हमें इस तरीके से लेते हुए कटिंग करना है। देख सकते हैं ये हमने मार्क लगा दिया है। इधर से 1/2 इंच कपड़े एक्स्ट्रा लिया है हमने, बीच की क्रीज पर हमने मार्क नहीं लगाया है, इसलिए हमें कटिंग कर देना है। आपको तावीज़ कितना रखना है देख सकते हैं। हम यहाँ से 11 इंच तावीज़ रख रहे हैं। यहाँ से हम 11 इंच पर मार्क लगा रहे हैं। हमें यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर लेना है। ये कटिंग कर ली है। ये 2 पट्टियाँ ली हैं हमने, इसका हमें तावीज़ बनाना है। और इस पट्टी का हम बटन टेक बनाएंगे, देख सकते हैं। इस पट्टी की लेंथ हमने ली है 15.5 इंच। 15.5 इंच इस पट्टी की लेंथ है और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। इसकी चौड़ाई हमने ली है। इस पट्टी की लेंथ है 15.5 इंच, इसकी चौड़ाई है 2 इंच। इस पट्टी पर हमने पेस्टिंग पेपर भी चिपकाया है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें इस बटन टेक वाली पट्टी को रखना है। ये हमारी कुर्ती की सीधी साइड है, इसको इस तरीके से रखना है। इस पर 1/2 इंच की हमें सिलाई लगाते जाना है, इस तरीके से जहाँ तक ये हमारी कटिंग हुई हुई है। इस तरीके से हमें यहाँ तक सिलाई लगा देना है, जहाँ तक देख सकते हैं ये हमारी कट लगा हुआ है। हमें यहाँ तक ही सिलाई लगा देना है, इस तरीके से हमें सीधी सिलाई लगा देना है। ये सिलाई हमने लगा दी है इस तरीके से। अब हमें इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगा देनी है पूरी पट्टी पर। एक बार आप लोगों को और समझा देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमें सिलाई लगा देना है पूरी पट्टी पर। सिलाई लगाने से पहले ये जो हमने यहाँ तक सिलाई लगाई है, इस पे हमें हल्का सा कट लगा देना है। इसके बाद हमें इसको फोल्ड कर लेना है, जैसे हमने आपको बताया है अभी। जहाँ तक हमने कट लगाया है यहाँ तक हमें सिलाई लगा देना है इस तरीके से। देख सकते हैं ये सिलाई लगा दी है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कटिंग कर लेना है, लगभग 1 इंच के करीब हमें इसे को छोड़ देना है। अब हमें तावीज़ बना लेना है। इस तरीके से अब हमें इसका तावीज़ बना लेना है। सबसे पहले हमें इस पर सिलाई लगा देना है। इस तरीके से हमें इस कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें
पे पूरी सिलाई लगा देना है, पूरी पट्टी पर। पूरी पट्टी पे हमें सिलाई लगा देना है, हमें इस पर कच्ची सिलाई लगा देना है इसको रोकने के लिए। ये हमने इस पर कच्ची सिलाई लगा दी है, देख सकते हैं। ये कुर्ती का हमारा सीधा कपड़ा है और ये कुर्ती का उल्टा कपड़ा है। उल्टी साइड से हमें इसको लगाना है, तरीके से इसको रखना है हमें, देख सकते हैं। यहाँ से हमें इसके बिल्कुल बराबर में सिलाई लगा देना है, इस तरीके से। ये कुर्ती की उल्टी साइड है, देख तरीके सिलाई लगा देना है। इस तरीके से ये कपड़ा अंदर की साइड करते हुए देख सकते हैं। सिलाई लगा देना है, सीधी सिलाई। इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से हमें सिलाई लगा देना है। देख सकते हैं ये हमने, अब हमें ताबीज़ बनाना है। ये हमने 1 इंच छोड़ दिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। और इस पर हमें सिलाई लगा देनी है। ये जो हमने सिलाई लगाई थी इसको हम निकाल लेते हैं। ये वाली सिलाई, ये सिलाई हमने निकाल दी है, देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने ये ताबीज बनाकर रेडी कर लिया, कितनी फिनिशिंग के साथ। आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल आमना बुटीक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक या शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।